चलें, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फॉर्मेटिंग पिक्चर्स, लर्न मोर अबाउट फॉर्मेटिंग एंड कंप्रेसिंग पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स को फॉर्मेट करेंगे उसके हवाले से काम करेंगे। तो स्क्रीन सबको विजिबल आ रही है? चलें अब यहाँ पे आते हैं माइलस्टोन नंबर 19 पे। तो हमारे पास 19 में है क्या? फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, इसमें है क्या। सबसे पहले प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ और साथ ही साथ इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में स्टोर कर लेता हूँ। एंड देन ओपन हेयर। चलें इनेबल एडिटिंग कर लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नीचे देखते हैं, टू क्रॉप एन इमेज। आपको पता है इमेज तो आप लोगों ने इंसर्ट कर ली, उसको क्रॉप भी करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा क्रॉप क्यों करना है, किसी को पता है? क्रॉप इसलिए करते हैं ताकि उस पेज उस इमेज को सेंट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको रिमूव करना होता है, तो उसके लिए क्रॉपिंग इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट द इमेज यू वांट टू क्रॉप, फॉर्मेट टैब विल अपीयर। यहाँ पे गौर से देखें, तस्वीर सेलेक्ट है तब जाके आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट के या डिजाइन के ऑप्शन आ रहे होते हैं। मैं आपको कल भी बता रहा था, यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है वो अलग है, और अगर किसी टेबल वगैरह में यहाँ पे डिजाइन आ रहा हो तो वो समझे कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आपने ओपन किया हुआ है उसका यहाँ पे फॉर्मेट या डिजाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, ये डिजाइन एक अलग दुनिया है, इसको छोड़ दो फिलहाल। लेकिन अगर यहाँ पे डिजाइन आ रहा है या फॉर्मेट आ रहे हैं तो समझ लें जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट बोले तो अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ, इमेज सेलेक्ट की हुई, वीडियो सेलेक्ट की हुई या कुछ भी, तो उसका ऑप्शन यहाँ आता है। चले ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ देखो फॉर्मेट ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें जाएंगे तो क्रॉप आपके सामने आ रहा होगा। इस क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। तो ब्लैक को मैंने यहाँ से थोड़ा सा कम कर लिया। ठीक है, जितना आपके पास वो ग्रे कलर का एरिया है वो डिलीट हो जाएगा, जैसे ही इसको एंटर दबाएंगे वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कल हम लोगों ने लेआउट ऑप्शन पढ़े थे, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, ये जहां जहां जाएगा टेक्स्ट को आगे पीछे करता रहेगा। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं क्रॉपिंग हैंडल्स विल अपीयर। ये क्रॉपिंग के हैंडल्स हैं जो आपको मैंने दिखा दिए। अच्छा टू कंफर्म क्रॉप कमांड अगेन, अगर आप लोग एंटर दबा दें या उसी क्रॉप को क्लिक कर दें, ठीक है, तो तब जाके आपके सामने शो हो जाएगा। आप इधर आ जाइए, रिमोट ले जाए, रिमोट से ऑन कर लें। अच्छा इसके बाद देखते हैं टू क्रॉप एन इमेज टू अ शेप। किसी भी शेप की फॉर्म में अगर आप लोगों ने इमेज को क्रॉप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे क्रॉप के नीचे, जी रेड वाला दबा रहे वहां पे, तो यहाँ पे आपके पास क्रॉप के नीचे छोटा ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसके अंदर मजीद ऑप्शन आ रहे होंगे। ओनली वन टाइम प्रेसिंग, ओनली वन टाइम। चलें अब इसके बाद देखते हैं, इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे देखें एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्रॉप टू अ शेप, मैं चाह रहा हूँ किसी शेप की फॉर्म में आ जाए। अगर मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि ये पैरेललोग्राम, ये समझ में आ रहा है आपको, ये कैसी शेप है जिसकी दो साइडें टेढ़ी होती हैं, तो इसमें क्लिक करता हूँ ये इस तरह कन्वर्ट हो गया। अगर इसको आपने दोबारा चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सर्कुलर वे में आए, तो ये वाला लेते हैं, ये ले लिया, तो आपकी इमेज इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें आपके पास इस पिक्चर की फॉर्म में शेप आ गई, शेप की फॉर्म में पिक्चर आ गई। अच्छा टू ऐड अ बॉर्डर, बॉर्डर कहते हैं किसी भी पिक्चर की साइड्स पे जो वॉल होती है उसको बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये पिंक कलर की नजर आ रही है बॉर्डर, ये एक बॉर्डर है, तो यहाँ से बॉर्डर ओपन करने के लिए क्या करना है, सिलेक्ट अ पिक्चर यू वांट टू ऐड अ बॉर्डर, तो फॉर्मेट टैब पे जाना है। आज सारा काम फॉर्मेट का हो रहा है क्योंकि फॉर्मेटिंग पिक्चर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लिक द पिक्चर बॉर्डर कमांड, तो पिक्चर बॉर्डर की कमांड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, तो ये आपके पास जो मेन्यू है ड्रॉप डाउन, मतलब ये नीचे ओपन होता है जो, ये इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं, तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। फ्रॉम हेयर यू कैन सिलेक्ट अ कलर वेट और डैश्ड। अच्छा वेट के अंदर थिकनेस लिखी हुई, मतलब आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, यानी इसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं। चले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, पिक्चर बॉर्डर की बात हो रही, इसी पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ येलो कलर का बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर बिल्कुल बारीक है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा देता हूँ। तो दोबारा क्या करना है, बॉर्डर के अंदर दोबारा आना है, ये नीचे वेट नजर आ रहा है, इसकी मोटाई यहाँ से बढ़ती है, ये 3/4 PT है, मैं इसको 3 PT करता हूँ तो ये एक्सप्लेन आपके सामने विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका साइज इंक्रीज हो सकता है अगर ये लाइन आपके पास सिंपल है, अगर आपने लाइन को चेंज करना है, अगर डॉट डॉट लगाना है तो डॉट डॉट आ जाएगा।
अच्छा आपको नजर आ रहा है पिक्चर बॉर्डर? मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, रेड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। आ रहा नजर आपको? ये डॉट डॉट की फॉर्म में आ गया, इसको डैश कहते हैं। यहाँ से इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपल मैंने लाइन लेनी है, तो लाइन फॉर्म में आके अगर मैं इसकी वेट और बढ़ाना चाह रहा हूँ, वेट 6 PT, अगर आपने इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है तो मोर लाइन्स के ऑप्शन में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से कस्टमाइज करना हो एंड में लास्ट में ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, अच्छा चले मैं 6 PT कर रहा था, ये हो गया। जब ये आपके पास हो गया पिक्चर बॉर्डर, ठीक है, फाइल का बॉर्डर नहीं, ये पिक्चर का बॉर्डर है। इसी के साथ साथ नीचे आते हैं तो बॉर्डर विल अपीयर आपके सामने शो हो जाएगा। इसके अलावा नीचे देखते हैं, इस यहीं पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं करेक्शन के, कलर के, आर्टिस्टिक इफेक्ट। आप लोगों ने टिकटॉक को एडिट किया होगा, कभी वीडियोस को एडिट किया होगा, फोटो को एडिट किया होगा, ये फिल्टर लगाया होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, जैसे अगर इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया है तो सामने ही आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा होगा। सॉरी, करेक्शन देख लें, ये इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है और ये इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा क्यों है कोई बता सकते हैं मुझे? यहाँ देखें कलर्स करेक्शन ये एक लाइन में आ रहे हैं, वो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ करेक्शन अलग आ रहा है, कलर अलग आ रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा है कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वर्जन वो 2019 है। ठीक है, और GCA ग्लोबल आपको बता रहा है 2016 या 13 का वर्जन शो करवा रहा है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं करेक्शन पर आता हूँ, इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया है तो इसके फिल्टर्स हैं, लाइटनेस है या ब्राइटनेस है, जो इसके ऊपर टिंट कलर या शेड कलर लगा हुआ है। टिंट कहते हैं कोई भी वाइटनेस को, और शेड कलर कहते हैं जिसमें कोई भी ब्लैकनेस को, यानी इसके ब्लैकनेस बढ़ाना है या इसको थोड़ा सा गोरा कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कलर पे आता हूँ तो आपको मल्टीपल कलर आ रहे हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट आ जाए तो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी हमें ज़रूरत कम है, अक्सर पड़ जाती है वैसे। ठीक है, मोर वेरिएशन पे जाते हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा पीला पीला हो, यहाँ से भी ले लिया। ठीक है, इसके अलावा देखें आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाते हैं, ये क्या है, ये भी सेम ऑप्शन है, थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहा है, क्लियर करके दिखा रहा है, तो आप मुझे ट्राई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अच्छा ये तीनों हो गए, अब आते हैं पिक्चर स्टाइल, पिक्चर को किस स्टाइल में शो करना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ, इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, याद रखना जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वही काम होगा। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं सर्कल पर क्लिक करता हूँ, ये सर्कल की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से ये वाली लेता हूँ, इस तरह आ गई, जो आप मर्जी लेना चाहें, ये सॉफ्ट ले रहा हूँ तो सॉफ्ट आ गई। ठीक है, ये सर्कल सॉफ्ट ले रहा हूँ तो ये आ गई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नीचे करेक्शन, करेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये आप खुद ही देख सकते हैं, पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और कलर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, सच एज पास्टल वाटर कलर और ग्लोइंग एजेस, इस तरह से नजर आ रहा होता है। इसके अलावा नीचे चलते हैं पिक्चर स्टाइल ग्रुप, तो यहाँ से आप लोग पिक्चर को स्टाइल कर सकते हैं, जैसे इसने इस पे क्लिक किया तो इस स्टाइल में आ गया। अच्छा, कंप्रेसिंग पिक्चर, ये आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ये नया फीचर है। किसी भी इमेज का साइज अगर बड़ा हो और अगर आप सेंड करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पिक्चर का साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, कंप्रेसिंग का आइडिया है किसी को, किसी ने किसी फाइल को कंप्रेस किया आज तक? ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एमएस ऑफिस की फाइल है 8 GB की और आप लोगों के पास USB है 4 GB की। ठीक है, तो हो सकता है कि वो उस फाइल को मैं क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा, यानी छोटा कर लूँगा, एक्स्ट्रैक्ट सॉरी कंप्रेस कर लूँगा। वहाँ पर ऑप्शन आ रहे होते हैं कंप्रेसिंग के, जैसे मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे शाज़िब नाम का फोल्डर होगा, फोल्डर गायब हो चुका है आज। ठीक है, कहाँ पर है? ये रहा। अच्छा, इस फोल्डर पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, 81 MB, टोटल साइज के 81 MB है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं यहाँ से, तो एड टू आर्काइव, एड टू, चलें इसको मैंने कंप्रेस किया, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसको साइज को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और जब आपके पास आएगी तो आपने इसको डीकंप्रेस लाजमी करना होगा, यानी इसको कंप्रेसिंग से हटाना होगा। ठीक है, तो एक और शाज़िब का फोल्डर आ जाना चाहिए यहाँ पे, ये अब इस पर क्लिक करता हूँ, इसको इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, देखते हैं इसका साइज कितना है, वो 81 था और ये 77 हो गया, थोड़ा सा माइनस सा फर्क आया। ठीक है, तो ठीक, इस तरह से अगर आप लोग पिक्चर को सॉरी जजाकल्ला थैंक यू, अगर आप पिक्चर को कंप्रेस करना चाहें वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर लीजिएगा, कितना साइज कम हो रहा है, कितना
पढ़ लें, ठीक है। तो कंप्रेसिंग पिक्चर ऑप्शन कहाँ नजर आएगा आपको? फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ तो हमारे पास शो ही नहीं हो रहा फॉर्मेट पिक्चर, फॉर्मेट तो ओपन है। अब बनाए पिक्चर भी सिलेक्ट है, फॉर्मेट क्या है, सॉरी कंप्रेस का बटन क्या है, नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो वर्जन चेंज है थोड़ा सा और ये वर्जन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो यहीं कहीं होगा, देखते हैं कंप्रेसिंग ऑप्शन का यहीं से आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा, चलिए इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता है, अब नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हमारे पास कहाँ है कंप्रेस। तो यहाँ से जो चीज आपको ना मिले वो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसिंग ये पड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा था, इसको मैं बाहर आता हूँ, इसके ऊपर माउस को होवर करता हूँ, माउस को रखता हूँ, तो आप लिखा हुआ है कंप्रेस पिक्चर, तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, इस पिक्चर पे अप्लाई होगा, डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ द पिक्चर, इसको मैंने क्रॉप किया हुआ है, ठीक है। एक चीज नोट कीजिएगा, इसको मैंने क्रॉप तो कर दिया लेकिन इसकी इमेज का जो साइज अभी भी सेम है। इसको अगर मैं दोबारा क्रॉप पे जाता हूँ तो वापस ये पिक्चर को रिकवर कर सकता हूँ, यहाँ से वापस यहाँ ला के कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसको मैं डन कर लेता हूँ, पिक्चर दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट इस कंप्रेस पे आ गया, और डिलीट क्रॉप यानी क्रॉप एरिया डिलीट हो जाएगा, तो आपका रिकवर नहीं होगा। और ईमेल आपके पास ये सजेशन जी भी ईमेल के साइज में करें ताकि आप ईमेल कर सकें, और इसको ओके करेंगे इसका साइज कम हो जाएगा। तो साइज कम होगा तो मेरे ख्याल से पिक्सल भी थोड़े से कम हो जाएंगे, क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी, ठीक है। चले आगे मूव करते हैं, तो देख लें आप लोग डायलॉग, यहाँ से कंप्रेस पिक्चर में क्लिक किया, टारगेट आउटपुट पे आया, तो आप लोगों ने क्या किया, ईमेल को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है। ईमेल को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो ये आ गया। तो आपके पास अभी 20 मिनट है, 3:50 में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जो हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि शेप्स, शेप्स कैसे इंसर्ट करनी, तो लर्न हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई शेप्स इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंगल टॉपिक है ये, तो मैं शेप्स के टॉपिक को ओपन करता हूँ यहाँ से 20, ठीक है। यहाँ पे देखें शेप्स, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, किसी भी किस्म का जो डिजाइन होता है वो शेप ही होता है, ठीक है। जो आपके पास वैरायटी ऑफ शेप्स हैं आपके पास बहुत सारी। अच्छा प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, साथ ही साथ इसको ओपन भी कर लेता हूँ, डाउनलोड सेव एंड देन ओपन फ्रॉम हेयर एंड देन क्लिक ऑन द इनेबल एडिटिंग ऑप्शन। अच्छा ये आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर आधी इमेज इंसर्ट की हुई है, ठीक है। वैसे ये इमेज है और ये सिंपल पेज है, तो ये हमारा इंटरफेस आ रहा है, नीचे चलते हैं। अच्छा ये देखें इंसर्ट कैसे करें, शेप में जाएंगे, कहाँ पे इंसर्ट के टैब में, जो भी चीज़ बाहर से, अच्छा जो चीज़ इंपोर्ट होती है डलती है वो इंसर्ट के टैब से आती है, ठीक है। चाहे वो आपका पिक्चर हो, चाहे वो ऑनलाइन पिक्चर हो, शेप हो, टेबल हो, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो यहीं से इंसर्ट के टैब से मिलेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिजायर्ड शेप किसी भी शेप को सिलेक्ट किया और इसके बाद इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसके बाद यहाँ से इसको भी लेकर आ गए, ठीक है। इसका नाम रिबन, ये रिबन ही कहलाएगा, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो इंसर्ट के टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे, तो एक बड़ा सा दिल ले लेंगे, ठीक है। दिल तो छोटा ही होता है लेकिन इसको बड़ा करना पड़ता है, देखें यहाँ से इसको बड़ा किया, ठीक है। इसको यहाँ सेंटर में कर दिया, और इसके बाद एक और शेप है यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद, शेप में जाने के बाद, यहाँ और से देखें ये शेप नज़र आ रही है, स्टार है बैनर के ग्रुप में। चलो मैं इस रिबन को ले लेता हूँ और यहाँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करो थोड़ा सेंटर में हो, और अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करना, और क्या करूँगा, इसको कंट्रोल दबाऊंगा और इसको कंट्रोल दबाऊंगा, सिलेक्ट हो गया, एरो की मदद से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। असल मकसद हमारा क्या, शेप को लाना है, अभी इसके ऊपर मजीद देखे नहीं। अच्छा ये हो गया, शेप के बाद क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द शेप, तो इफ यू वांट टू मूव, इन आवर एग्जांपल वी वांट अ हार्ट टू अपीयर बिहाइंड द रिबन, सो वी विल राइट क्लिक द हार्ट, इस दिल पर राइट क्लिक करेंगे, उसको बैक पे ले जाएंगे, जो भी है इसको सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। अच्छा आपके पास ऑप्शन आते हैं, किसी भी अगर तीन लेयर से किस लेयर को आगे जाना, किस लेयर को पीछे लेके जाना, तो उसके लिए इंग्लिश में दो तीन लफ्ज़ हैं, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट हो गया, सामने लाना, सेंड टू बैक पीछे ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दिल आगे आ रहा है, रिबन पीछे आ रही है, तो यहाँ पे क्या किया इसी ने, इस पिक्चर को दिल को सिलेक्ट किया और यहाँ तो सेंड टू बैकवर्ड कर दिया। अच्छा बैकवर्ड का मतलब ये है कि सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएगा, रिबन के पीछे जाएगा, इमेज के पीछे नहीं जाएगा, हालांकि ये इमेज भी है,
ठीक है, यहां पे देखते हैं तो दिल देखा पीछे आ रहा है तो मैं इसको आगे लाने के लिए क्या करूँ, दिल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, दिल को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, तो दिल सामने आ गया। अच्छा दिल को पीछे लेके जाना है, आज तो मेरा माउस भी मसला कर रहा है, चले ब्रिंग टू सेंड टू बैक करूंगा, तो इसके अंदर देखा ऑप्शन आ रहा है सेंड टू बैक, बैक मतलब बिल्कुल पीछे ले जाएगा, इमेज के भी पीछे ले जाएगा, इसको क्लिक करता हूँ तो इमेज के पीछे चला गया, ठीक है, गायब नहीं हुआ, इमेज के पीछे चला गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, बैकवर्ड यानी वन स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया, नजर आ रहा है सबको, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ एरो कीज की मदद से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, स्पीडली आगे मूव करते हैं, तो ये आपके पास आ गया, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट कहीं भी नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये रहा आपके पास, ये फीचर भी है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसी पिक्चर को राइट क्लिक किया रिबन को और यहाँ पे रैप टेक्स्ट, ठीक है, ऐड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम लिख लेता हूँ लेट सपोज, और याद रखना जो इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन है टेक्स्ट के वो सेम होम टैब वाले होंगे, ठीक है, यानी इसको मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब में आ गया, यहाँ से साइज बड़ा कर दिया और यहाँ से कलर मैंने इसका वाइट कर दिया, तो सारे के सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ से मैच होंगे, एक तरह से पुराने वाले होंगे, ठीक है। चल अभी आगे मूव करते हैं, ये हो गया, इसके बाद इन सम केसेस द ऑर्डरिंग ऑप्शन, अच्छा इसको ऑर्डर्स में लाना कहते हैं, लेयर को आगे पीछे करना क्या कहते हैं, ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखना है। अच्छा ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग ऑप्शन जो सिलेक्ट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डरिंग ऑफ द शेप, ठीक है, कुछ केसेस में आपके पास जो ऑर्डरिंग है वो नहीं होती, इन दिस हैपेंस ट्राई सिलेक्टिंग द सेम ऑप्शन अगेन एंड ट्राई डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा इफ यू हैव सेवरल सेवरल शेप्स प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इट मे बी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट एन इंडिविजुअल शेप, अगर आपने सारी चीजें ऊपर रखी तो कुछ अभी मुश्किल आ सकती है कि इनको एक साथ पीछे लेके जाना मुश्किल आ सकती है, तो ये तब होता है जब आपके पास चीजें ज्यादा होती हैं। अच्छा ये देखें सिलेक्शन पेन दिया हुआ उसने, तो यहाँ पे आपके पास लेयर्स दी हुई हैं, तो देखें पिक्चर को पहले सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो शेप फॉर्मेट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैंने पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा तो पिक्चर के फॉर्मेट आएगा यहाँ पे ऑप्शन टैब आएगा, अगर शेप पर क्लिक करूंगा तो शेप का फॉर्मेट आ जाएगा ऊपर, ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लिया, तो सिलेक्शन पेन आ रहा है इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे जितनी चीजें डली हुई इन सब की क्लियर आ रही। अच्छा ये देखें ये आई है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, इसके अलावा इसको क्लोज करता हूँ शेप गायब हो जाएगी, इसको डिसक्लोज करता हूँ, इस आंख को दोबारा खोल देता हूँ आई को, तो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, तो यहाँ से भी आपको आइडिया होगा, अगर आपने पिक्चर को ऊपर नीचे लेके जाना है तो आप लेयर्स के जरिए यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके अलावा नीचे मूव करते हैं टू रिसाइज द शेप, आपको पता है कि पिक्चर्स कैसे रिसाइज करते हैं, सेम चीजें यहाँ पे भी हैं, ठीक है, ये आपके पास एजेस दिए हैं, अगर दिल को बड़ा करना है यहाँ से छोटा करना है इसकी हाइट और विड्थ के हिसाब से ये हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ रिबन की तो येलो कलर के साइन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लंबाई चौड़ाई डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये येलो वाले हैं ये आपके इनसाइड वाले होंगे, ये देखें रिबन का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है, और ये वाला कौन सा पैरामीटर है, ये रिबन ऊपर नीचे कितना हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मजीद आगे मूव करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग द साइजिंग हैंडल, ये सारे साइजिंग हैंडल कहलाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको करके दिखाया हाइट और विड्थ को छेड़ने के लिए एंड और एट द सेम टाइम। अच्छा टू रोटेट द शेप, अगर आपने पिक्चर शेप को रोटेट करना है तो उसके लिए ये सिंबल आ रहा है आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे जितना माउस घुमाएंगे उतना घूम जाएगा, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ रहा है रोटेट, इसको क्लिक किया मैं जितना इसको ऊपर नीचे करूँगा ये शेप ऊपर नीचे घूम जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे मूव करते हैं तो इसने क्या किया अपनी तरफ से मर्जी से यहाँ पे रोटेट कर दिया। अच्छा मॉडिफाई शेप्स इसका मतलब क्या है, इसको एडिट करना, एडिट से मुराद ये हो सकता है कि सिलेक्ट द शेप यू वांट टू चेंज, हमारा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया तो ऐसा करते हैं 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं चलें। अच्छा बात है मॉडिफाइंग शेप यानी इसका शेप का कलर चेंज करना, ये सारी चीज़ें होती है मॉडिफाई एडिट को एडिट करना, इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद आपके पास फॉर्मेट के अंदर, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ सारा काम फॉर्मेट का अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ बाहर क्लिक किया तो आपके पास फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा, क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया, तो इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया तो अब फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है तो यहाँ पे शेप स्टाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे शेप स्टाइल देखेंगे, यहाँ से येलो हो सकता है, ये भी हो सकता है, कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं,
अगर अभी ये ले लिए सिंगल कलर है यानी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट और है और ये ब्लैक कलर का आ रहा है, तो मैं यहाँ से वही येलो वाला गोल्ड वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा नीचे मूव करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए कि जाए, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, ये शेप इस साइड से आ रही, क्या किया इसने, इस रिबन का कलर चेंज कर लिया, ये आप लोग देख लीजिएगा। टू चेंज द शेप फिल कलर, शेप फिल यानी शेप का जो फिल कलर हुआ अंदर की साइड क्या हुआ और येलो है। अच्छा देखें, इसने सेलेक्ट द शेप यू वांट टू चेंज, ये दिल को सिलेक्ट किया और शेप फिल के अंदर जाके इसने कलर रेड ले लिया तो दिल हो गया लाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं हार्ट को और यहाँ से शेप फिल में जाते हैं, इसको ले लेते हैं रेड, रेड हो गया। अच्छा अगर शेप आउटलाइन की बात करें तो ये वही आउटलाइन है जो बाहर की साइड आ रही थी, मैं इसको येलो ले लेता हूँ। तो आपके पास येलो लाइन नजर आ रही नीचे इसके कॉर्नर्स पे, नहीं नजर आ रही तो क्या करते हैं शेप आउटलाइन में जाके इसका वेट बढ़ा देते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। तब भी दिल नहीं भर रहा तो ऐसा करते हैं यहाँ पे आके 6 PT कर लेते हैं, ठीक है। अगर अभी भी दिल नहीं भर रहा तो मोर लाइन से चले ही जाए, मोर लाइन पे जाने के बाद देखें 3 PT को सिलेक्ट करते हैं, इसको 13 कर देते हैं, ठीक है, हो गया। यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अच्छा देखिए वैसे बोरा लग रहा है, इसको मैं कम कर लेता हूँ, वेट 6 PT काफ़ी है। अच्छा इसके बाद देखते हैं, नीचे आते हैं, मूव करते हैं। टू चेंज द शेप आउटलाइन, ये मैंने बता दिया, ये थोड़ा लेट बता रहे तो उसको जाने देते हैं, ठीक है। और वेट आपको बता दिया, वेट किससे बढ़ते हैं और ये डैश लाइन लाइन का स्टाइल चेंज करना हो, ठीक है। टू एड अ शेप इफेक्ट, इसके ऊपर एक इफेक्ट देना है, ठीक है। तो इफेक्ट कहाँ से आएगा, वही फॉर्मेट के टाइम में आपके पास शेप इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ये बहुत सारे इफेक्ट है, आप इसको वन बाय वन खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेवल के अंदर जाके इसने ये वाला शेप इफेक्ट लिया तो ये इस तरह से थोड़ा सा डार्क हो गया साइडों से, तो आप गौर से देखें। इसे स्क्रीन पे देखें आप लोग, इसे स्क्रीन पे देखें आप लोग, मैं यहाँ हार्ड को सेलेक्ट किया और शेप इफेक्ट में आ गया, बेवल पे गया। अगर मैं ये लूँगा इफेक्ट थोड़ा सा फर्क आएगा, मामूली से असर आ रहे हैं। ग्लो पे जाता हूँ, ग्लो आ रहे हैं, ये वाला ग्लो लेके देखते हैं, आ रहे हैं इफेक्ट, जो मर्जी इफेक्ट ले लीजिएगा जो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आई थिंक ये कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। टू चेंज अ डिफरेंट शेप, अब इस शेप को डिफरेंट करना है यानी इस शेप को हटा के दूसरी शेप लगानी है, तो इस शेप को सेलेक्ट किया। अब क्या करना है कि फॉर्मेट टाइप के अंदर जाना है, एडिट शेप के अंदर, ये एडिट शेप यहाँ से आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास एडिट शेप आ रहा है नहीं आ रहा फॉर्मेट पे गए इसके, तो ये एडिट शेप का ऑप्शन यहाँ आ रहा है छुपा हुआ है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि 2019 का वर्जन है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से मैंने चेंज शेप पे क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ ये रिबन है ये इस तरह आ जाए, सॉरी ये दिल था वो इस तरह आ जाए, तो शेप चेंज ऐसी होती है। यहाँ पे गया, चेंज शेप पे गया और यहाँ पे मैंने दिल की जगह क्या लगा दिया, स्माइल लगा दिया, ठीक है, चेंज कर लिया, ठीक है। इसके नीचे आते हैं तो आपको शेप आ जाएगी, ये चेंज आ गया। अभी 4:11 हो रहा है, 4:25 भाई, ठीक 15 मिनट बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ चैलेंज नंबर 21 पे, ठीक है। चलें, टेक्स्ट बॉक्स आपको नाम से शोर होगा, टेक्स्ट बॉक्स होते गए ऐसा बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट हो, ठीक है। अरे तो अब आते हैं हमारे जो माइलस्टोन है 21, टेक्स्ट बेसिक्स, लर्न हाउ टू यूज टेक्स्ट बॉक्सेस इन द वर्ड, ठीक है। आवाज सबको आ रही है, अच्छा यहाँ पे आते हैं दोबारा से, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे, तो टेक्स्ट बॉक्स होता है क्या, एक्चुअली हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। चले मैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ और साथ ही साथ इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कैसे, पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आप अपनी मर्जी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माउस को रखा, कर्सर को रखा और यहाँ से मैंने इसको क्लिक दबा दिया। अब मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जहां तक मेरा साइज एडजस्ट ना हो जाए, यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। चलिए फार्मूला चेक करते हैं, फार्मूला हमारे यहाँ काम करेगा, ठीक है। फार्मूला में यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट का, 2 लाइन्स के 3 पैराग्राफ आ जाए, आ गया, दो पैराग्राफ आ चुके हैं 3 लाइन्स के, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी और यहीं पे एंड में कंट्रोल वी,
साइज बड़ा कर लेते हैं इसका यहां से। ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो चीज सिलेक्ट होगी उसी का ऑब्जेक्ट सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन लॉक है सबकी। अच्छा, यहां पे आते दोबारा, तो यहां आते दोबारा, तो देखें इसको मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट बॉक्स को, यहां से इस कोने से सिलेक्ट करेंगे या इस कोने से, तो ये एजेस से सिलेक्ट होते हैं। और यहां आके शेप फॉर्मेट पे आएंगे, तो यहां पे आप टेक्स्ट फॉर्मेट को यहां से इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसका फायदा देखें क्या है, यहां से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूं, जितनी मुझे इसकी विड्थ चाहिए उसके हिसाब से मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये कि आप यहां से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये जहां से इसके एजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारे पास टेक्स्ट है ये जिसे पूरा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा मजीद फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहीं से मैं होम टैब में चला गया। इसके तमाम ऑपरेशन वही होंगे जो आप लोगों के पास सिंपल आ रहे थे, जैसे यहाँ से मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स अक्सर न्यूज पेपर मैगजीन्स वगैरह में देखा होगा टेक्स्ट किस तरह से अरेंज होते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको एडजस्ट करना देख लें। चले अभी काम की बात करते हैं, यहां आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इंसर्ट में आएंगे, सिलेक्ट इंसर्ट टैब और टेक्स्ट बॉक्स वहां से आ जाएगा, नजर आ रहा है आपको। तो आपके पास ये बहुत सारे सेट्स आ रहे हैं, ये रेडीमेड सेट हैं, प्री सेट हैं, तो आप इनमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्लिक एंड ड्रैग एनीवेयर ऑन द डॉक्यूमेंट टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो आपके पास जिस तरह से मैंने आपके सामने ड्रॉ किया इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा और आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, टेक अप टू 75% ऑफ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पे आके टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो आपके पास ये प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे देखें प्लस का साइन आ रहा है, तो आपके पास ये इंडिकेशन है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करें। मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये व्हाइट कलर का आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अप टू 70% ऑफ। ठीक है, इसका कलर कैसे चेंज होगा, सेंटर अलाइन कैसे होगा, सेम वही तरीका। ठीक है, कंट्रोल ई दबाएंगे ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम दोबारा मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपके पास ये एडजस्ट हो गया कि सेंटर में टेक्स्ट बॉक्स से आता है, और टेक्स्ट बॉक्स आपको इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया कि कैसे होते हैं। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स को, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। टू मूव अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को मूव कैसे करते हैं, ये देखें यहाँ पे एज पे इसने माउस को रखा, तो आपके पास ये वाला साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें आप लोग। ठीक है, प्लस क्रॉस एरो वाला, हवर द माउस यानी माउस को इसके ऊपर रखेंगे, और ऑफ द एजेस इन द टेक्स्ट बॉक्स द माउस विल चेंज इनटू द क्रॉस विद एरोस। तो ये आपके पास ये वाला सिंबल आ रहा होगा, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स टू द डिजायर्ड लोकेशन। आप इसको कहीं पे भी अपनी मर्जी से, यहां से देखा मैंने सिलेक्ट किया अपने डिजायर्ड लोकेशन में, चाह रहा हूं यहां पर रखना चाह रहा हूं तो यहां इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद नीचे मूव करते हैं टू रिसाइज द टेक्स्ट बॉक्स, जिस तरह शेप को रिसाइज कर रहे थे, जिस तरह पिक्चर्स को रिसाइज कर रहे थे, तो सेम साइजिंग के ऑप्शन यहाँ पे भी आएंगे, तो आपके पास साइजिंग हैंडल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू रिसाइज, और यहाँ से आप लोग ये इन एजेस से हाइट और वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मॉडिफाइड टेक्स्ट बॉक्स, इसको आप एडिट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू चेंज ऑन द फॉर्मेट टैब, क्लिक मोर ड्रॉप डाउन, यहाँ पे देखें यहाँ पे शेप स्टाइल आ रही है, तो उसका स्टाइल चेंज करना, जैसे मैंने आपके सामने पहले किया। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को, तब जाके इसका फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ स्टाइल में आता हूँ, तो यहाँ वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से ऑरेंज ले लेता हूँ, तो ये आपके पास ऑरेंज आ गया। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट आना चाह रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंट आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का कलर नजर आ रहा है आपको सामने, तो ये कलर के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहाँ से मैं ऑरेंज ले लेता हूँ एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ये ले लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया और इसको साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे मूव करते हैं, यही तरीका बता रहा है आपके पास, ये ट्रांसपेरेंट भी आ रहे हैं, ये आपके पास कॉम्बिनेशन कलर भी आ रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स को जब एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास अपेयर द टेक्स्ट बॉक्स विल अपेयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल, जो आप सिलेक्ट करेंगे स्टाइल को वो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह आगे मूव करते हैं टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स शेप। ठीक है, तो यहीं पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा फॉर्मेट के टाइम पे जाके एडिट शेप। ठीक है, तो आप इसको चेंज शेप पे देखें, ये सर्कल की फॉर्म में करना चाह रहे हैं, किसी भी फॉर्म में करना चाह रहे हैं, शेप में करना चाह रहे हैं, वो उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देखें सर्कल में किया, सर्कल में आ गया, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फॉर्मेट में आने के बाद
शेप नजर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से चेंज शेप करता हूँ मैं, यहाँ से लेट सपोज ये पेंटागन ले लेता हूँ, 5 एजेस वाले शेप आ गए, ठीक है। तो आपके पास स्क्रीन में आ रहा है, सॉरी सर्कल आ रहा है, मैं सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है। सर्कल आपके पास ये आ रहा हो गया। अब इसके बाद मजीद आगे हम देखते हैं, तो आपके पास चेंज आ गया। तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल समझ में आया आप लोगों को, कि टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल ये होता है कि आप लोग टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो टेक्स्ट आ रहा होता है आपके पास, लेकिन आप लोग टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको एडजस्ट करके दिखाया। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपकी मर्जी के आ रहे होते हैं। लाजमी नहीं कि वहाँ पर आप लोग इस रोलर को सेट कर रहे हो, वहाँ आपके अकॉर्डिंग आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं इसको हैंडल करके दिखाता हूँ आपको। तो अक्सर ये होता है टेक्स्ट बॉक्स आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आ रहे होते हैं। पिक्चर को सामने रखते हैं, अगर पिक्चर यहाँ रखा है, इसकी हेड को वेट को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या हैंडल कर लिया, ठीक है। तो ये इसका यूज केस है, आई होप एंड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आपके पास थोड़ा 5 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का टाइम है, तो आप इसको सेव करें और साथ ही साथ इसको अपलोड करें। तो आज ये तीनों असाइनमेंट हमारे अपलोड हो जाने चाहिए, ठीक है, फॉर्मेटिंग पिक्चर्स, शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स। चलो ठीक है, फिर हमारे लिए।